हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, कल हम गए थे बिजनौर। आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा कल वाला। आज जो है, आज मतलब आज हम जा रहे हैं अपने खेत पर। काम है खेत में, गेहूँ बोए जाने हैं, तो अभी चल रहे हैं खेत पर। आज ठंड है, कल भी मतलब धूप नहीं निकली थी, थोड़ी बहुत धूप निकली थी, आज भी थोड़ी सी धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है। तो अभी चलते हैं, ट्रैक्टर से चलेंगे। ट्रैक्टर खड़ा है बाहर, कपड़े पहन रखे हैं, ट्रैक्टर मतलब पन्नी पड़ी है ट्रैक्टर पर। कोई बात नहीं, उसको उतार देंगे, चलते हैं सीधा ट्रैक्टर पे चलेंगे अभी। तो सबसे पहला काम है हमारा लाइट बंद करना। हमारे पीछे सीढ़ी आ रही होगी, स्पीकर लग रहे हैं कमरे में, उसके लिए सीढ़ी रखी है। हमारा ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ, तो इसने जो है कपड़े पहन रखे हैं। अभी इसके कपड़े उतारते हैं पहले, तो कपड़े उतर गए हैं। गाइस, हमने इसकी मतलब पन्नी चढ़ ली थी इस पर, वो उतार दिए। यहाँ पर है रस्सी, किसी को फांसी वासी लगानी हो तो बता देंगे कमेंट करके अपने। लग गई है ये रस्सी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसको, ट्रैक्टर को। ये किसी ने हमारा चुरा लिया था, पुराना लगवा लिया हमने इसके लिए, पुराना स्टीयरिंग था हम पे, तो हमने पुराना लगवा दिया है। अभी मेरी आवाज़ नहीं आई क्या आपको? तो एक खेत है ये हमारा, एक खेत है वो हमारा, आ गए हैं। इसमें नहीं आई है भैया का है हमारी, बाकी बाइक खड़ी है हमारी ताऊ जी की यहाँ पर। अभी अपने खेत आएंगे, इसके बाद आएंगे अपने खेत। हमने इससे पहले ब्लॉग में, चार पांच पहले ब्लॉग में दिखाया भी है। और भैया हैं ये छोलने वाले, वो भी छोल रहे हैं, गन्ना भर रहे हैं अपना। तो हमारा है इसके पीछे, इससे भी मतलब पीछे है। सो गाइस, ये है हमारा खेत। आते ही हमारे ताऊ जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, पेड़ों में लग गए। हमने पेड़ दिए थे तो उसकी कैनी वैनी है, तो उसे साफ कर रहा हूँ। इस खेत में बोए जाएंगे गेहूँ, तो हमने आग दे दी थी छोड़ने के बाद। इसको करेंगे ट्रैक्टर को यहीं पर बंद, ये ऊपर हम ले जा नहीं सकते इसको। और स्टार्ट है बाबू, तो वो कह रहे हैं उधर को लिया, दूसरी साइड को, पर वहाँ नहीं लेके जाऊँगा, यहीं पर बंद करूँगा। दूसरे फोन पर फोन आ रहा है हमारे, आने दो किसका आ रहा है, चेक करते हैं पहले। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने खेत पर फाइनली। फाइनली क्या, खेत पर तो हम रोज ही आते हैं वैसे, कहीं नहीं जाएं तो। तो अभी जो है अपना, हमने अपना मतलब ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है, ट्रैक्टर चल रहा है। दूसरा जो ट्रैक्टर मंगाया है वो भी चल रहा है, न्यू होलैंड। तो भैया जोत रहे हैं जमीन, उसके बाद गेहूँ बिकेंगे, फिर चलेगा। और हमारा ट्रैक्टर खड़ा है उधर, उधर है ताऊ जी। हम डर के हमारे इधर आ गए, ताऊ के सामने फ़ोन नहीं खोल सकते ना हम, ताऊ जी हमारे गर्म आदमी हैं। तो वैसे बहुत ठंड है आज, मेरे ट्रैक्टर पर कान लाल हो गए, वैसे रहते हैं पीले पर लाल, कोई बात नहीं, लाल सेब की तरह हो गए थे। बाकी ये कोठरी मैंने पहले ब्लॉग्स में दिखाई दी थी, क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम, आप अगर नहीं पता तो ब्लॉग्स देख लें वो वाला। तो खाद उद मिला रहे हैं अभी, तो अभी मैं जा रहा हूँ किसी को लिवाने के लिए, दूसरे खेत में जाना है मुझे खाद बिखरवाने। तो अभी चलते हैं गाइस सीधा दूसरे खेत में, बाकी कुछ नहीं है दिखाने को मेरे पास, यही है जो है, जैसा भी आप देख लें। किसी को भी पकड़ सकते हैं हम जंगल में, कुछ नहीं पता, शेर भालू चीता कुछ भी आ सकता है, पर हम तो शेर हैं, शेर खुले शेर हमें कोई नहीं पकड़ेगा, पता नहीं कोई। मैं आ गया हूँ रोड पर, क्यों मुझे आए हैं जितिन भाई लिवाने के लिए। जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ होने वाली है बहुत तगड़ी बहस, क्योंकि गांधी भाई आ रहे हैं हमारे, उनका है हमारे पे कर्जा, वो कर्जे को मांगे हम देंगे नहीं, तो बहस होगी। जितिन भाई आ रहे हैं, जितिन भाई भी आ गए, अभी चलेंगे एक जगह बैठना है, छोटे भाई के घर चल रहे हैं अभी। देखो आने दो, ये आएगा आंटी, ये आए जितिन भाई आ गए हैं हमारे। पहले तो ये बताओ तुम जा कहाँ रहे थे, यहाँ क्यों आए हो? ये जो है कॉलेज जाते हैं, नूरपुर स्टॉप पड़ता तो बंक मार देते हैं डेली, मैं नहीं चलाऊंगा। तो अभी चल रहे हैं छोटे भाई के घर। सो गाइस, हम आ गए हैं छोटे भाई की दुकान में। छोटे भाई जल्दी 5 मिनट में। ये भी आई है, मोहित भाई आने वाले हैं हमारे, छोटे भाई कुछ कहेंगे, छोटे भाई प्लीज। मोहित भाई आएंगे, तगड़ी बहस होगी,
गवार बता रही है मुझे, गवार गवार बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, गवार की ठीक है। एयरटेल का सिम नहीं चल रहा, एयरटेल को फोड़ दो। नहीं अभी मोहित भाई आएंगे, उसके बाद ही पता लगेगा क्या होना है क्या नहीं होना। अभी कर्जा मांगेगा आज तीन से कर्जा दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, बेइज्जती का हमारा, हमने अब ठेका ले लिया है। तो अभी जो है डीनू आया था मुझे छोड़ने के लिए खेत में, पहले छोटू एक घर से घर आया नूरपुर से, फिर छोटू एक घर से बैठा के मुझे खेत में छोड़ गया है। अब ट्रैक्टर चल रहा है वैसे, गेहूँ बोए जा रहे हैं, तो अभी हमें गेहूँ बोआने हैं, उसके बाद जाना है हमें घर, क्योंकि हमें लग रही है भूख बहुत तेज। तो अभी चलेंगे, पहले गेहूँ देख लूँ कितने बोए गए कितने नहीं बोए, वैसे बोए गए होंगे मेरे आइडिए से। तो बाकी अभी तो ट्रैक्टर चल रहा है, अभी ताऊ जी पता नहीं कहाँ हैं, उधर खड़े हैं, उधर वो खड़े पेड़ गड़वा रहे हैं। गेहूँ बोए गए, शायद बिखेर भी दिए हैं, खाद भी बिखर गया है, सब कुछ कंप्लीट हो जाया है। अब जाने की घर बारी आ चुकी है, हमारी छुट्टी हो जाएगी, अब चलते हैं घर। बैठ गए छोटे को बैठा दिया हमने यहाँ पर, बताओ क्या चाहिए दुकान में से आपको भैया? किसी को डकैती डालनी हो तो इंगा से डाल ले, इधर से पीछे से कोमल कट सकता है, इधर वाली दीवार से कट सकता है। छोटे कुछ कहने के उसमें थे मून में, पर कहा नहीं। करो करो बात करो, किसे फोन लगाया तुमने? सेटिंग को। ओफ, कहाँ? यही लगा लिया था, आसपास ही कहीं होगी, 10-20 किलोमीटर के दूर। करते रहो बात। मेरी कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी बैठा मेरी। तुम्हारी कुर्सी है? और किसकी? लोहे गद्दी की। दांत पास। गल्ला वल्ला मार देंगे, इनका चाबी निकाल ली अब तो इन्होंने गल्ले की। ओ भाई चाबी निकाल ली गल्ले की, मैं गल्ला नहीं मार रहा था, ये बहुत हरामी इंसान है। कोई बात नहीं गाइस, ऐसी होता है गरीब आदमी, गरीब आदमी के साथ ऐसी होता है अन्याय। ये तो घर घर की कहानी है, जो गरीब आदमी होता है वो ऐसे ही मरता है। क्या बताएं, कुछ ना, इस टाइम मंदी चल रही है मार्केट की, मंदी चल रही है। अभी गेहूं बोए जा रहे हैं, गेहूं का टाइम चल रहा है, इनका सीजन ऑफ हो गया है, गेहूं लाए नहीं, सीजन ऑफ हो गया है। नुकसान इनके पास कि जो लिप्टिस पॉपुलर और गन्ना सुखाना हो तो इनसे दवाई ले जाए, सब सूख जाएगा। और जिसे बढ़ाना हो वो ना आए, जिसे सुखाना हो बस वो आए। ठीक है गाइस।